मीनाक्षी अपने आज के इस वीडियो में लेके हूँ ये डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट और यह है इसका बैक पार्ट। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी, 6 के मल्टीपल में फंदे और 3 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। और डिज़ाइन के अलावा हम 4 फंदे जो हैं एक्स्ट्रा रखेंगे, दो दो फंदे दोनों साइड पे। तो ये डिज़ाइन के हिसाब से मैंने ये जो है 25 फंदे डाल रखे हैं, 6 के हिसाब से 18 फंदे, 3 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और दो दो फंदे दोनों तरफ, एक एक एच स्टिच और एक एक उसके साथ एक्स्ट्रा फंदा। अब ये पहली सिलाई जो है फंदे डालने के बाद एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, पहली सिलाई हमारी सारी उल्टी बनेगी। ये फंदे डालने के बाद सीधी तरफ आने के लिए जो है हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब आगे हम अपने डिज़ाइन की पहली सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये दो फंदे हैं वो जो हमने, एक ये सिलाई का फंदा और एक ये फंदा इसके साथ हमने एक्स्ट्रा रखा। अब यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे, 3 फंदे सीधे, 3 ऊन को अपनी तरफ करके 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर उनको अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 2 और ये 3, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। लास्ट हमने जब ये यहाँ पे ये डिज़ाइन शुरू किया था तो हमारे स्टार्टिंग में दो ये जो सिलाई वाले फंदे, एक सिलाई का और एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद ये 3 फंदे सीधे थे, तो जो लास्ट में भी हमारे पास ये 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3, दो फंदे ये जो एक सिलाई का और एक फंदा इसके साथ एक्स्ट्रा। अब आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे पहला फंदा जो है हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद दूसरा फंदा उल्टा जो इसी के साथ का है, ये उल्टा बुनने के बाद 3 फंदे जो डिज़ाइन वाले हैं वो हम उल्टे बुनेंगे। जो पिछली बार डिज़ाइन वाले 3 फंदे सीधे थे, उल्टी सिलाई में वो उल्टे बुने जाएंगे। और इन जिन फंदों को हमने उल्टा बुना था उनको हम अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसमें हमारा जो उल्टी सिलाई में हमारा पैटर्न हो जाएगा वैसा ही, लेकिन हम जो शुरू करेंगे वो उल्टे फंदों से शुरू करेंगे, क्योंकि सीधी सिलाई में हमने सीधे फंदों से शुरू किया था। तो ये पूरी सिलाई में 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे जो है हमारे आएंगे, 2 3, ये 3 फंदे सीधे, लास्ट वाले 3 फंदे ये उल्टे, 1 2 3 और ये 2 फंदे एक एच स्टिच सिलाई का और एक उसके साथ एक्स्ट्रा। तीसरी सिलाई बिल्कुल पहली सिलाई की तरह ही जाएगी, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा, उसके बाद फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, बिल्कुल पहली सिलाई की तरह, फिर ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, बिल्कुल जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी उसी तरह से 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे आएंगे। ये फिर अब 3 फंदे उल्टे, लास्ट वाले 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 2 फंदे एक सिलाई का और एक उसके साथ एक्स्ट्रा। अब आगे हम अपनी चौथी सिलाई पे, चौथी सिलाई बिल्कुल हमारी दूसरी सिलाई की तरह होगी, जो हमारी पिछली उल्टी सिलाई थी वो हमारी दूसरी सिलाई थी, तो बिल्कुल उसी तरह होगी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा उल्टा बुना, अब 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3,
तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे और साथ में जो दो सिलाई वाले फंदे, एक सिलाई का और एक एक्स्ट्रा। ये होगी हमारी चौथी सिलाई। अब आगे हम अपनी पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई में पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे ऊन को अपनी तरफ किया, अपनी तरफ करने के बाद यहाँ से पीछे की तरफ से हम इस तरह से तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये जो हमारे सीधे तीन फंदे थे, इन तीन फंदों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। ये तीनों फंदे इकट्ठे बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे अब अगले जो हमारे उल्टे फंदे थे उनको हम सीधा बुनेंगे, एक दो और ये तीन। अब ये तीन फंदे बुनने के बाद फिर उनको अपनी तरफ किया, ये जो तीन सीधे फंदे हैं पीछे की तरफ से इन तीनों फंदों को हम इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे, मतलब तीन का एक करेंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और ये तीन। उनको अपनी तरफ किया और ये पीछे से तीनों सीधे फंदे इस तरह से हम इकट्ठे बुनेंगे, उनको अपनी तरफ किया, तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन। उनको अपनी तरफ किया और ये जो है हमारे सीधे तीन फंदे हैं इनको हम इकट्ठा बुनेंगे, उनको अपनी तरफ किया, दो फंदे सीधे इस तरह से। ये होगी हमारी पांचवी सिलाई। अब आगे हम अपनी छठी सिलाई पे। छठी सिलाई में पहला फंदा जो है हमारा वो हम बिना बुने उल्टा उतारेंगे, उसके बाद ये जो इसके साथ वाला फंदा उसको बुनेंगे। अब ये जो तीन का एक किया था वो फंदा और इसके साथ वाले जो हमने धागा लपेटा था, जो यहाँ पे एक एक जाली बनाई थी, इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे इस लाइन में, एक दो और ये तीन। ऊन को अपनी तरफ किया, तीन फंदे उल्टे, दो और ये तीन। अब फिर ये जो तीन फंदे हैं, एक ये फंदा जिस तीन का एक किया था और ये जो ऊन हमने लपेटा था, इसको हम इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब फिर तीन उल्टे, अब फिर हमारी वैसी ही तीन सीधे और तीन उल्टे की सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी, दो तीन, ये फिर तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर तीन सीधे, एक दो तीन, दो फंदे लास्ट वाले उल्टे। तो इस तरह से जो है हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बनेगा। अब इसमें हमने ये जो है हमारा यहाँ पे दो फंदे हमने इसलिए रखे हैं ताकि हम ये जो हमारी ये जाली बन रही है, ये जाली बिल्कुल एच स्टिच के साथ ना बने, तो इसलिए हमने एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है। आप चाहो तो आप इसमें तीन फंदे एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। अब यहाँ पे ये हमारे सीधे फंदे थे, अब ये वाली जो डब्बी है इसके ऊपर यहाँ शुरू हो जाएगी और ये वाली डब्बी हमारी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो छः सिलाई का जो डिज़ाइन है इसको हम दोहराते हुए अपना डिज़ाइन पूरा करेंगे।